तो ये देख सकते हो आप, स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हुआ है रास्ते पे, और अपना ये पूरा बिल बन के आ गया है, ये देखो आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरर A69। आज अपने कार का AC सही कराने जा रहे हैं यार। इसमें देखो आप, गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है, काफी ना गंदी हो रखी है कार, और थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा कि कार का AC सही कराने जा रहे हैं। तो चलते हैं यार, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है भाई, गाड़ी ना अंदर से तप रही है। एक बार तो ना इसको स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा, और AC चला देते हैं। AC का चलाएं, AC में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप गाड़ी का मीटर देख सकते हो, 52,000 किलोमीटर कुछ अप्रोक्स चल चुकी है ये, और इसमें ना गाड़ी में ना AC है ना, वो कूलिंग नहीं कर रहा यार। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, या तो इसका AC फिल्टर में दिक्कत आ रही है, या फिल्टर फुल्टर देखना पड़ेगा। होंडा यार, होंडोई की कारों में ऐसे ही होता है यार, इसमें ना लगभग प्रॉब्लम आ जाती है AC में। तो ये चेक कराएंगे, हुंडई की कंपनी में चलते हैं, थोड़ा सा हीट निकल जाए यार, बहुत ज़्यादा हीट हो रखी है कार में। तो हुंडई का सर्विस सेंटर पड़ता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इसका दिखाएंगे, चेक कराएंगे क्या दिक्कत आ रही है। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि इसके फिल्टर है ना AC वाले, उसमें दिक्कत आ रही है। टाइम देख सकते हो, सुबह के 11:50 हुई है लगभग, और अपने जाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, या गाड़ी खड़ानी पड़ेगी, या गाड़ी को 2-3 घंटों में सही करके दे देंगे। मतलब देखो, AC मैंने फुल चला दिया ना, आपको नॉइस आ रही होगी, फुल चला दिया AC को, फिर भी ना इसके जो कूलिंग है ना, कूलिंग बहुत कम हो रही है यार, ये मेन प्रॉब्लम है। मेरे को पसीना है, पसीना अंदर ही अंदर पसीना ही आ रहा है। तो चलते हैं फिर गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको, तो सीधा शोरूम पे जाके बात करेंगे। गाइस यहाँ पे ये देखो, स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हुआ हुआ है यार, ज़्यादा रास्ते में ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे स्कॉर्पियो का। इसमें फ्रंट इसका पूरा डैमेज हो चुका है, और ये ओल्ड स्कॉर्पियो आती थी वो है, आप इंटीरियर देख सकते हो, और इसमें एयर बैग दोनों खुले हुए हैं, बैग भी डैमेज है गाड़ी का काफ़ी, और ये देखो यहाँ पे शीशे हो रखे हैं। उधर जाके गाड़ी भिड़ी है, उसके बाद में भिड़ के सीधी यहाँ पे आई है, और गाड़ी का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है। इसका फ्रंट जा चुका है, वहाँ पे वो पिलर था, यहाँ पे ये पिलर वहाँ खड़ा हो, तो इसमें लग गया, और इतना एक्सीडेंट हुआ है। कितना, 2 जन आ गए? अच्छा, तो गाइस बहुत ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हो रखा है था यार, सेफ चला करो कार को यार। अपने आ गए हम हुंडई के सर्विस सेंटर पे, यहाँ पे दिखाते हैं अपनी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है मेजर। तो बाहर सबसे पहले कर लेते हैं कार को यहीं पार्किंग, उधर वाली सड़क निकाल लेते हैं ना, हाँ यहाँ पे लगा देते हैं कार को पार्किंग, और फिर अंदर चलते हैं, बात करते हैं, और देखते हैं क्या कहते हैं वो यार। ये तो कार निकालेगा, इधर नहीं निकाल सकते। कार को यहाँ लगा देंगे एक बार, यहाँ पे अपने कार लगा दी, तो अपने चलते हैं अंदर। तो रोएगा ये सर्विस सेंटर है, तो अंदर चलते हैं, पहले बात करते हैं कार को, यहाँ पे करते हैं लॉक, मैंने लॉक कर दिए। ये देखो अपनी जैसी काफ़ी धुली हुई गाड़ी है, तो देखते हैं क्या कहते हैं, वेटिंग करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो ये थोड़ा इंस्पेक्शन चल रहा है गाड़ी का, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन चल रहा है गाड़ी का, और ये सारा नोट करेंगे, रीडिंग राडिंग क्या रीडिंग होती है, क्या रीडिंग नहीं होती गाड़ी में, ये सब चीज़ नोट होती है, और कूलिंग देख रहे हैं अभी, चेक कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पे अंदर आके बैठ गए हैं, देखते हैं गाड़ी, इंस्पेक्शन तो कंप्लीट हो गया, अब चेक करेंगे गाड़ी को अंदर जाके, मतलब सर्विस करेंगे। तो गाइस ये खड़ी अपनी कार, अभी भी रिपेयरिंग इसमें इन प्रोग्रेस है, और इनकी पॉलिसी के हिसाब से ये कार के पास सर्विस एरिया में ज़्यादातर रुकने नहीं देते हैं, ये कहते हैं जाके वेट करो वेटिंग एरिया में, तो चलते हैं अपने वेटिंग एरिया में जाके वेट करें। तो गाइस अपने हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं। 2 hours later तो एक बात और है, जगह माड़ी शोर कूलिंग बजेगी, बम्पर खोल के आगे पानी मारूंगा कंडेंसर वगैरह, तो वो आगे चौक ओढ़ बात चीज क्लीन हो जाए, तो कूलिंग में फर्क पड़ जाओगे 5-10%। ये कूलिंग बताओ कब, जब वो बत्ती है घटना लगा दोगे 30-12.5। और कितो गिरे से हो वो बिया तो के लेकर 7 जिया भी 8-9-10 भी रह जा जिया डिगडियां 7-8 भी रह जा जी के अब नहीं करे टपो 5-6 पर भी आ जा
वो तो बहुत ज्यादा कूलिंग हो गई। बात फिर जो गड्डी हो गयो, गड्डी हो गयो, फिर एक अपने 1000 RPM भी कोनी, 900-800 RPM पे गड्डी खड़ी है, एक 1000 RPM 3000-3500 पर चल रही गड्डी, तो कितना राउंड को प्रक्रूबी सब लोग सीधे रेसिंग 11-12 हां 11-12 यहां जी। हां ते बाकी थाना महसूस तो होते नो कूलिंग हो तो भी है, कूलिंग तो बढ़िया चल ही रही है, हां कोई दिक्कत कोनी फिर अपन वहां चीज। अभी तक 2 बार कॉफी पी चुका हूँ, आराम से वेटिंग एरिया में बैठा हूँ और अपनी गाड़ी में जो काम हो रहा है उसको आराम से देख रहा हूँ। 2 hours later तो गाइस अपनी कार का एसी बिल्कुल सही हो गया है, ये देखो बढ़िया कूलिंग दे रहा है पहले से। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि इसका जो रेडिएटर है ना और कंडेंसर है उसमें ना कीचड़ फंसा हुआ था और उसकी वजह से ना ये अच्छी तरह अपनी कूलिंग दे नहीं पा रहा था, और इसका जो एसी फिल्टर होता है ना उसमें मिट्टी फंसी हुई थी, उसको चेंज कर दिया, नया डाल दिया, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे बटनों पे, ये जो बटन थे ना अपने इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसके एसी के साथ साथ हीटर चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बस वो बिल्कुल साफ हो गया है। और गाइस मैंने डैशबोर्ड खुलवा के एसी गैस डलवा लूँ, वो करवा लूँ, चेंज ये करवा लूँ, उस झंझट में मैंने बिल्कुल भी नहीं पड़ा क्योंकि वो खर्चा मांग रहा था 4000 से लेके 5000 तक, और अपना ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है बिल्कुल, और इतना मतलब इसमें अब प्रॉब्लम आया नहीं और बढ़िया एसी हवा कूलिंग चल रहा है, थोड़ी बहुत इस बटन में प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हो रहा था। ये देखो गाड़ी नीचे, इनकी सर्विस और इन हुंडई वालों की सर्विस काफी अच्छी है यार, ये यहाँ पे पड़ता है रोड पे श्री गंगानगर में पड़ता है ये, ठीक है, और बिल्कुल सही हो चुका है एसी। अब इसकी टेस्ट ड्राइव देखेंगे, मतलब बाहर गाड़ी चलती है उसमें एसी कूलिंग इतनी दे पा रहा है नहीं दे पा रहा वो तो देखनी जरूरी है ना। तो गाइस टेस्ट ड्राइव हो गई है, एसी बढ़िया कूलिंग कर रहा है, अब लगे आते यार इसकी ना वॉशिंग भी कराई लेते हैं। अपना ये पूरा बिल बन के आ गया 543 रुपए, 300 रुपए वॉशिंग के लगे हैं, 240 रुपए इसके जनरल टेस्ट के लगे हैं। अभी एसी वर्क अच्छी तरह वर्क कर रहा है, अच्छी कूलिंग हो रही है, और यार ये देखो वॉशिंग पे ना यहाँ पे इतनी पॉलिश मार देते हैं कि ये गाड़ी को खराब कर देता है यार, ये देखो पॉलिश देखो। गाड़ी का एसी फिल्टर था ना उसमें मिट्टी फंसी हुई थी और उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, वो नया लगा दिया। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, जो इसके ये बटन थे ना ये काफी टाइट थे और ये बहुत ज्यादा खराब था, इसकी वायर में दिक्कत थी, इसका जो एसी के साथ ये हीटर चल रहा था, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो इसमें आगे रेडिएटर होता है और कंडेंसर होता है ना उसमें कीचड़ फंसा हुआ था, उसको प्रेशर से निकाल दिया, वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये तीन बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसमें जो एसी गैस चलती है ना वो भी चेंज होनी थी, पर इसमें मैंने कराई नहीं क्योंकि वो बजट बढ़ जाता है यार, 5000 से लेकर 6000 तक खर्चा बढ़ जाता है और उसको चेंज कराने का मतलब ही नहीं है यार, सही चल रहा है अभी एसी, बढ़िया कूलिंग दे रहा है। और इसमें जो बात करें अपने, अगर मेरे को गैस चेंज कराने तो इसका पूरा डैश वो मेरे को खुलवाना पड़ेगा और वो मैं चाहता नहीं है। और गाइस मैं आपको हुंडई का सर्विस सेंटर दिखा देता हूँ, ये है, काफी अच्छी सर्विस है इनकी, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। और तो गाइस अब अपना काम यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, अपने बढ़िया मेरे को बढ़िया सर्विस मिली है। ओके गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब, और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नई नई वीडियो में, आप चलते हैं घर पे।